नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 7 अक्टूबर 2020 है। 7 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना का आंकड़ा 67 लाख के पार हो गया। इनमें से 57,41,153 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 9,07,379 संक्रमित ऐसे बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इधर बिहार में अब तक 1,90,123 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,77,929 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी मात्र 11,268 मरीज एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। बिहार में राजनीतिक तापमान तो चुनाव की घोषणा के साथ ही चढ़ने लगा, लेकिन मौसम का तापमान 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे बिहार में 10 अक्टूबर तक लौटती मानसून का असर समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि इस साल कई वर्षों से अधिक रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई। किसानों को रबी की खेती में परेशानी हो रही है, खरीफ फसलें तो प्रभावित हैं ही। अब चूंकि चुनाव सामने है, ऐसे में भी किसानों की सहूलियत प्रभावित होगी। दरभंगा में पुलिस को एक स्कॉर्पियो से 1,11,00,000 रुपये मिला है। इसमें से 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, तीसरा चकमा देकर फरार हो गया। यह कार्रवाई हुमान नगर में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से की। इस प्रकरण की जांच कड़ाई से चल रही है। अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से सड़क किनारे शौच के लिए गई 2 महिलाएं पानी भरे गड्ढे में डूबकर मर गईं। घटना कैमूर जिले के घोघिया गांव की बताई जा रही है। मृतकों में सुदर्शन यादव और कृष्णा चौधरी की पत्नी है। आसन्न विधानसभा चुनाव में पारदर्शी विधि व्यवस्था के लिए भागलपुर में पुलिस अधिकारियों की बैठक DIG सुजीत कुमार के नेतृत्व में हुई। थानावार रिव्यू किया गया। सीमा पर वाहन चेकिंग तेज करने के निर्देश जारी किए गए। गंगा और कोसी में नाव से गश्त लगाने का निर्देश जारी किया गया। किशनगंज के मलहरिया पंचायत अंतर्गत बखरी गांव में एक वृद्ध की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम सुंदर महतो बताया गया। वे धान काटने बहियार गए थे। रास्ते में धार में डूबने से उनकी मौत हो गई। धार में पानी काफी ज्यादा था। किशनगंज में ही जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर मोतिहारी बाजार में एक कपड़े की दुकान का शटर काटकर करीब 2,00,000 का कपड़ा चोरी कर लिया गया। चोरों ने गले में रखा 5,000 रुपये भी चुरा ली। दुकान संचालक कमरुल हक ने इसकी जानकारी थाना को दी है। समस्तीपुर के भिरहा नेपाली चौक पर सघन वाहन चेकिंग चलाया गया। इस दौरान एक कार से 1,00,000 नगद व एक बाइक से 1,89,000 रुपये बरामद किए गए। रुपयों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। मोतिहारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से रिटायर्ड क्लर्क धूड़ी तिवारी 30,000 घूस लेते रंगे हाथों निगरानी के हत्थे चढ़ गए। वे 30 सितंबर को रिटायर हुए हैं। रिटायर होने के पहले ही उन्हें DM ने इंदिरा आवास योजना की जांच का जिम्मा दिया था। पूर्व राजद नेता शक्ति मल्लिक की हत्या के मामले में जांच और अनुसंधान का दायरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस इस हाई प्रोफाइल जांच को काफी गंभीरता से देख रही है। शक्ति मल्लिक की पत्नी खुशबू से लगातार पूछताछ की जा रही है। पटना में उत्पाद विभाग की छापेमारी दल ने ड्राइवर शंकर यादव को शराब की तस्करी करते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी छक्कन टोला से हुई है। इस गिरफ्तारी से उत्पाद विभाग में हड़कंप मच गया है। सुपौल जिले के अमथो पुनर्वास में देर रात एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। लाश पिपरा खुर्द रोड पर फेंक दिया। हत्यारों ने उसके नाजुक अंग भी काट दिए। मृतक का नाम मनोज यादव बताया गया। वह बलवा पंचायत का रहने वाला था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के चुनाव के लिए आज दिग्गज नेता नामांकन करेंगे। लगभग सभी गठबंधनों और पार्टियों ने पहले चरण के मतदान के लिए अपने अपने उम्मीदवार तैयार कर लिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी व हम के 3 प्रत्याशी भी आज नामांकन कर सकते हैं। बिहार में NDA गठबंधन में JDU अपने 122 सीटों में से 115 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और 7 सीटें हम यानी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगा। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने अपने घटक दलों के साथ सीट बंटवारे की घोषणा की। इसमें 33 उम्मीदवार जाप के और 16 SDPI और शेष सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी होंगे।
ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।